नई दिल्ली में चुनाव आयोग ने शनिवार को यानी कि आज 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे से किया जा रहा है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव की तारीख आने के बाद ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग के द्वारा किए जाने वाले कयास के अनुसार 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकते हैं। पिछले दिनों ही 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधु की। इन दोनों ने कल ही पदभार संभाल लिया है। इसके बाद चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार समेत 3 अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की है। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 फेज में वोटिंग हो सकती है। 15 से 18 अप्रैल के बीच पहले फेज के लिए, जबकि आखिरी फेज में 19 मई को वोटिंग हो सकती है। 23 मई को रिजल्ट संभव है।